दिल में जनता को, आम मतदाता को, भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर से कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व को सबको मैं इस जीत का श्रेय देता हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो पार्टी ने जो मेरे पर विश्वास किया, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता और एक सांसद के रूप में, और दिल्ली जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें जाने का मुझे अवसर दिलाया, मैं उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और पार्टी का मैं बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आम जनता को सभी कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ ऐतिहासिक जीत जो जीत दिलाई है उसमें संसदीय क्षेत्र से मैं उसमें खड़ा उतरने की भरसक कोशिश करूँगा, उनके बीच में रहूँगा और जो भी इस संसदीय क्षेत्र की जन समस्या है उन समस्याओं को निराकरण कराने की पूरी मैं कोशिश करूँगा। सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है, आज पूरे अजमेर संसदीय क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत ज्वलंत समस्या है और भी कई समस्याएं हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो एक सिद्ध पुरुष है और अटल जी का एक सपना अधूरा रह गया था, इस देश की नदियाँ जुड़नी चाहिए, देश की नदियाँ जुड़ती तो सबसे ज़्यादा इस रास्ता को फायदा होने वाला है। और मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी को ईश्वर इतनी ताकत दे, शक्ति दे कि इस देश की नदियाँ जुड़े ताकि राजस्थान के हर खेत को पानी मिले, हर हाथ को काम मिले, नौजवान को रोजगार मिले, बेरोजगारी खत्म हो और किसान के घर में समृद्धि आए और ये राजस्थान की जो धरती है वो सोना हो ले। और कई तरह की और समस्याएं जो समस्याओं को निदान करने की कोशिश करेंगे, चाहे यह इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे यह पर्यटक का मामला हो, चाहे इस अजमेर का भी जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जो रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे कई अनेक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं आम जनता को, मेरी वो जो भगवान है और हमारा जो कार्यकर्ता है वो हमारी ताकत है, मैं उन सबको नमन करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जिस विश्वास के साथ मुझे एक संसद के रूप में उन्होंने भेजा है उस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा और मैं हमेशा उनके बीच में रहूँगा। जैसे अजमेर संसदीय जो शहर है वो स्मार्ट सिटी के रूप में जो मोदी जी ने जो स्मार्ट सिटी में जो चयन किया था, मैं चाहूँगा वो पूर्ण हो, वो स्मार्ट सिटी ऐसी बने ताकि इस प्रदेश में नहीं, इस देश में एक नंबर वन अजमेर जो आज ऐतिहासिक ये अजमेर शहर है, ये संसदीय क्षेत्र है, हर दृष्टि से आज अजमेर का महत्व इस देश में नहीं पूरी दुनिया में है। आज विश्व प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहाँ दरगाह है, यहाँ त्रिवेणी संगम है, यहाँ नारेली तीर्थ स्थान है, कई यहाँ गुरुद्वारे हैं, ये यहाँ निम्बार्क पीठ, यहाँ संप्रदाय है, यहाँ कई तरह की ये जो अजमेर जो क्षेत्र है वो एक पूरे प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में अपना स्थान, एक इसका एक स्थान है, इसका महत्व है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए।